तो जी आज असी तुहाड़े वास्ते लेकर आए हैं टॉप 5 पंजाबी फूड, जिसमें पंजाबी अमृतसरी कुलचे लस्सी ते न जाने क्या क्या शामिल है। तो चलिए जी साथ में मिलके लोहड़ी दा जश्न, मेरा मतलब पंजाबी फूड खाते हैं, आओ। और जी पहला पंजाबी फूड जो असी तुहानू दिखाने वाले हैं, वो पंजाबी फूड वैसे तो सर्दियों के मौसम में मिलता है, पर भाई अपन ने जुगाड़ लगाकर इसको गर्मियों में मंगा लिया है। दैट इज मक्की की रोटी एंड सरसों का साग। नहीं, मक्की की रोटी एंड सरसों का साग, भाई ये सर्दियों की ऐसी स्पेशलिटी है। बीइंग अ पंजाबी, हमारे घर में कोई ऐसी सर्दियां नहीं जाती जब हमारे घर में मक्की की रोटी और सरसों का साग नहीं बनता। एवरी पंजाबी हाउस होल्ड लव्स इट एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड पंजाबी फूड, मैं इतना तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ। इसमें अंदर ना मेरे को ये एक तो ये मक्की की रोटी बड़ी ड्राई लगती है और ये सरसों का साग बड़ा सागी लगता है। नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। टेस्ट तो वैसा ही है जैसा मेरे को लगता है हमेशा से, पर ये मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है ये साला रेस्टोरेंट गर्मियों के मौसम में मक्की कहाँ से ला रहा है और साग कहाँ से ला रहा है। गुड क्वेश्चन। ये बात तो तारीफ करनी पड़ेगी भाई, इन्होंने टेस्ट अभी भी वैसे का वैसा रखा हुआ है। जिनको ये पसंद है ना भाई, उनके सामने तो कोई इसकी बुराई कर नहीं सकता और वो सुन भी नहीं सकते। अगले आइटम पे चलते हैं, आओ। तो मीनवाइल गाइस कमेंट सेक्शन में आप भी बता देना कि भाई आपका फेवरेट पंजाबी फूड कौन सा है। और मेरे ख्याल से पंजाबी फूड आजकल पंजाबी छाए हुए हैं यार। पंजाबी आर्टिस्ट दिलजीत अपना फैलन शो में पहुंच गए और पंजाबी खाना ऐसा हो गया है कि इंडिया के हर एक घर में पहुंच चुका है, चाहे वो मक्की की रोटी सरसों का साग हो या फिर वो हो अमृतसरी कुलचे वे छोले की सब्जी। भाई पिंडी छोलों के साथ अमृतसरी कुलचों का स्वाद भी बड़ा लाजवाब लगता है, जो कि इतनी कमाल लगती है, जिसके अंदर आटे से बना हुआ एक कुलचा होता है, आलू का बेसिकली कुलचा होता है और साथ में छोले होते हैं, बड़ी कमाल की प्रिपरेशन में तैयार करे हुए। पंजाबी मेहनत करते हैं, काम करते हैं तो भी भाई दिल लगा के रज के करते हैं और खाते हैं तो भी रज के खाते हैं। तभी आप देखोगे हर पंजाबी फूड में इतनी क्वांटिटी होती है ना कि भाई वो आराम से बंदे को इतना सुस्त कर दे, इतना पेट भर दे कि उसको नींद आ जाए खाते ही। इसीलिए ट्रक चलाने वाले या फिर गाड़ी चलाने वाले ना पंजाबी फूड अवॉइड ही करा करें। भाई पिंड दी याद आ गई, पिंड दी मतलब मेरा खुद का पिंड नहीं है, पर इसका टेस्ट ऐसा है कि इसने मेरे को मेरे पिंड की याद दिला दी यार। बहुत शानदार, लाजवाब, अति उत्तम। मतलब ये डिश चाहे आप कहीं से भी खा लो ना, ये स्टैंड अलोन बड़ा फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन है। क्रिस्पी सा कुलचा, आलू स्टफिंग वाला, साथ में मसालेदार छोले, ओए 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 ओए, मजा आ गया। तो भाई अगली डिश जो मैं तुहाड़े वास्ते लेकर आया हूँ, डिश का नाम है राजमा चावल। अब भाई पंजाबियों की एक देन है ना राजमा चावल, इंक्लूडिंग मी, हमें हर पंजाबी को थैंक यू बोलना चाहिए यार, आपने क्या डिश दी है। मतलब हर नॉर्थ इंडियन की तो ये फेवरेट डिश बनी चुकी है और ये डिश एक ऐसी है जिसने अब पूरे इंडिया में धाक जमा ली है। मतलब जो एक बार राजमा चावल आकर खा जाए ना, उसको मेरे को लगता नहीं उसके बाद कुछ और अच्छा लगेगा। हमारे घर में तो ये मान लो हफ्ते में 3 से 4 दिन में राजमा चावल बनवाता ही बनवाता हूँ। बाकी आप में से कौन कौन राजमा चावल का फैन है कमेंट्स में बताना। थोड़ी सी राजमा खाने के बाद थोड़ी हवाओं की दिक्कत हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद टेस्ट सुभान अल्लाह। आइए ट्राई करते हैं। आओ भाई, ओहो ये लिए जी राजमा, ओ लिए जी चावल। की गल भाई, चक दिते फटे, क्या टेस्ट है भाई। मेरे से पूछे ना कि व्हाट इज योर चॉइस ऑफ अ लास्ट मील, आप अपनी आखिरी मील में क्या खाना चाहोगे, आई वुड चूज राजमा चावल। मतलब मेरे ख्याल से वो डिश है जो स्वर्ग में मिलती होगी, हैंड्स डाउन राजमा चावल इज द बेस्ट पंजाबी फूड। आपका फेवरेट क्या है कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको अगली डिश दिखाता हूँ। तो जो अगली डिश मैं तुहाड़े वास्ते लेकर आया हूँ, वो भी कुछ राजमा से रिजेम्बलेंस रखती है, क्योंकि वो भी चावलों के साथ ही बड़े चाव से खाई जाती है। एंड डिश का नाम है जी कढ़ी पकौड़ा। कढ़ी, अगर आपने कढ़ी नहीं खाई ना तो भाई मेरी नजरों के सामने नहीं आना, क्योंकि मेरी नजरों में फिर आपके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। कढ़ी इतनी टेस्टी डिश होती है, मतलब इकलौती सब्जी होती है जो कि खट्टी, अक्सर सब्जियां खट्टी तब हो जाती हैं जब वो खराब हो जाती है, लेकिन ये डिश जब तक खट्टी नहीं टेस्ट होती तब तक मतलब ये बढ़िया नहीं बनी। मतलब खट्टी दही से ही बनती है डिश, बड़ी ही बेहतरीन डिश है और चावल के साथ इसका कॉम्बिनेशन तो फिनोमिनल लगता है यार। मेरी मम्मी के हाथ की कढ़ी आपने खा ली ना, आप उंगलियां चाट चाट के अपनी उंगलियां चबा जाओगे यार, इतना मजा आएगा आपको, वो इतनी बढ़िया बनाती है। भी अच्छी है, नाइस। कढ़ी में यार ये जो खटास आती है ना, आहा हा, क्या जबरदस्त खटास है। फिर भी मेरी मम्मी बेस्ट कढ़ी बनाती है, ये भी अच्छी है, लेकिन अभी और एक और डिश बची है वो दिखाता हूँ आपको। तो भाई अगले पंजाबी फूड की अगली डिश जो मैं आपके लेकर आया हूँ, उस डिश का नाम है, ऑफेंड मत हो जाना सालो, एक तो आजकल इंटरनेट पे
इस डिश के नाम से ना बंदों ने गलत ही ट्रेंड चला रखा है, लेकिन आई एम टेलिंग ऑन अ सीरियस नोट, ये डिश का नाम है जी लस्सी। अब हर पंजाबी को भाई लस्सी ना पसंद हो ऐसा हो नहीं सकता। होते हुए पुत्रों अगर तुमने कमेंट सेक्शन में कोई गलत हरकत करी तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। दही से ही बनती है डिश, पंजाबी फूड में आपको दही का टच काफी ज्यादा दिखेगा, और ये तो दिल्ली का वर्जन है लस्सी का, इतना छोटा। पंजाब में होता ना तो इतने बड़े ग्लास में लस्सी आ रखी होती कि मैं क्या, मेरे साथ पांच और दोस्त पी जाते, सबका ही पेट भर जाता। बट स्टिल लेट्स ट्राई पंजाब की लस्सी। मतलब फ्लेवर्स का भंडार है पंजाबी खाने में। पंजाबी खाने में आपको खटास भी मिल जाएगी, तीखापन भी मिल जाएगा, चटपटापन भी मिल जाएगा, मिठास भी मिल जाएगी भाई, रिफ्रेशमेंट भी मिल जाएगा। ऐसा कोई फ्लेवर नहीं है जो आपको पंजाबी खाने से नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से पंजाबी क्यूजीन इज द बेस्ट क्यूजीन इन द वर्ल्ड, एटलीस्ट फॉर मी। मैं चाहे कोई भी क्यूजीन खा लूं, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, वेस्ट इंडियन, ईस्ट इंडियन, कुछ भी खा लूं, मेरी नजरों में एट द एंड ऑफ द डे जब मैं घर आता हूं मुझे पंजाबी खाना ही चाहिए होता है, वो भी पंजाबी स्टाइल। यू बी केयरफुल अबाउट राइटिंग लस्सी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, बाय बाय।